मुसलमानों की सच्ची हितैषी भाजपा सरकार। रोमाना सिद्दीकी, बरेली। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रोमाना सिद्दीकी ने सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में जो सरकार है वो मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है। मुसलमानों के मन में जो डर है विरोधी पार्टियों ने पैदा किया है वो गलत है। भाजपा कभी मुसलमानों के विरोध नहीं है। अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं, लड़कियों के लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए अनेक योजनाएँ सरकार चला रही है। लोगों को अपना हक लेना चाहेंगे और सरकार के हाथ मजबूत करना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सब धर्मी का सम्मान करते हैं और मुसलमानों के प्रति उनका व्यवहार काबिले तारीफ है। इस अवसर पर अनीस अंसारी और अल्पसंख्यक मोर्चो मैडम जानना चाहेंगे कि संदर्भ में आपका बरेली आना। बरेली आने का मकसद ये था कि कुछ हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने हमसे मिलने की ख्वाहिश रखी और कुछ साथ में कार्यक्रम रखा है जिससे कि हम उनके समाज के लोगों के साथ मिलें और अपनी बात और उनकी बात सुने और उसी पर चर्चा करें। इसी वजह से हम बरेली आए हैं। सरकार मुसलमानों की समस्याओं के लिए जागरूक है? बिल्कुल है, बहुत जागरूक है। आपको कहाँ परेशानियाँ सुनाई देती हैं। एक दो परेशानी को अगर छोड़ लीजिए तो उस चीज़ को ना लीजिए, नहीं तो अदरवाइज कहाँ परेशान है मुस्लिम। बिल्कुल पहुंच रही है। अभी सुबह ही मैं जब आई हूं तो डिपार्टमेंट के लोग आए थे और उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और उनसे भी चर्चा हुए तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें जा रही हैं, लोगों को मिल रही हैं और इन फ्यूचर भी और आगे कि कैसे लोगों तक योजनाएं पहुंचाई जाएं उसके बारे में भी सिलसिले में बात हुई है कि होल्डिंग बैनर पोस्टर पैम्फलेट्स कुछ बना के समाज के बीच में पहुंचाए जाएं और जैसे नहीं है तो थोड़ा थोड़ा टेबल कुर्सियां लगा के बैठ के स्टॉल्स लगा के लोगों तक जागरूक करा जाए। तो ऐसे जागरूकता का अभियान चल रहा है और हम लोग करते रहते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं वो करते रहते हैं ये सब काम। मुसलमानों ने बीजेपी ने अपनी पैड बनाने के लिए क्या किया? संपर्क जी। जो उनके मन में गलतफहमी है मुसलमानों के दिल में वो सब उनके दिल से निकालने के लिए। और जो है आप मुझे को देखिए, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ भाजपा की, मैंने भी अपने टाइम में बहुत काम किया और मुस्लिमों को जोड़ा है और अभी भी जो है अभी समाज से साथ हम लोग मिलते हैं और जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो ये काम करता है, समाज के साथ बीच में घूमता है जाता है और वो लोगों से मिल के जो है उनके दिल में जो भी अगर गलतफहमी होती है वो निकाल के अपनी बात पहुंचाती है, सरकार की बात पहुंचाती है। और पहली बात तो मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी कहती है मुस्लिम्स खफा नहीं है बीजेपी से और उन दूसरी पार्टियों को ज़रूर खफा रहते हैं, लोगों को बताते हैं, वैसे है नहीं बीजेपी से खफा, सब जुड़े हुए हैं। आपने आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया? मैं इंस्पेक्शन के उस पर नहीं आई हूँ, मैं आज अपने प्रोग्राम से आई हूँ और मुझे एक अंसारी समाज है उसने कार्यक्रम के लिए बुलाया है। मैं शाम को भी कार्यक्रम है, मैं दरगाह पे गई थी, दरगाह से होके आई हूँ, कुछ अपने समाज के लोगों के बीच में गई, वहाँ खाना था, लोगों से मिलना जुलना था, अपनी बातें रखनी थी और इंस्पेक्शन के दौर पे मैं नहीं आई हूँ, मैं अपने वैसे निजी कार्यक्रमों से आई हूँ। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।